हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम बच्चा पार्टी इज डूइंग गुड, ग्रेट। सो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करो। सो हाँ, हमने लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था? वी हैव कवर्ड टिल दिस पोर्शन, राइट? ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, राइट? बट टुडे व्हाट वी हैव टू कवर इज नथिंग बट What? Yes, that is nothing but principles of treatment. So, bachu, shall we start? Okay, hip hip, hooray, hip hip, hooray. Now, see, the first way, the first principle of treatment is, what is that? To reduce the effect of disease. सबसे पहले जो treatment होता है, जो doctors cure करते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं? Yes, they do nothing but करते हैं. Nothing तो नहीं, वो करते हैं. तो उसमें वो क्या करते हैं? वो उस डिसीज के इफेक्ट को कम करते हैं. जैसे वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है किसी की बॉडी को, किसी के को नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं? उसे कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको पर्सन को ज्यादा तकलीफें ना हो, ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े और कम डिसीज उसे इफेक्ट करे. आगे देखते हैं, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन. दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन. वो कैसे हो सकता है? मेडिसिन लेके हम अपने आप को क्योर तो मतलब कर सकते हैं, उसी ट्रीटमेंट ही बोलते हैं, ठीक है? क्योर, टू डू अ क्योर, दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट, है ना? तो डॉक्टर्स भी वही करते हैं. डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो क्योर करते हैं, मतलब जो भी पेशेंट होते हैं उनको क्योर करते हैं, और उस डिसीज के इफेक्ट को कम करने के लिए वो मेडिसिन देती हैं. टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज लाइक फीवर, पेन, लूज मोशन एक्सेट्रा. मतलब इस तरीके के जब हम बीमार हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स हमें कुछ पिल्स देते हैं जिनसे हमारा ये जो इफेक्ट कम हो जाए, टू पुट डाउन दैट, टू पुट इट डाउन व्हाट? फीवर, पेन और लूज मोशंस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? या अगर आपको वॉमिटिंग्स हो रही है, दैट सिचुएशन आल्सो, अदर डिसीजेस आर आल्सो देयर, सो वी विल स्टडी देम लेटर. एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी. और बेड रेस्ट लेने को बोलते हैं डॉक्टर्स ताकि हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा इधर उधर, मतलब जब हम वॉक करेंगे तो एनर्जी तो डेफिनेटली जानी है, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वो बोलते हैं बेड रेस्ट. ओके, बेड रेस्ट मीन्स घर पे आराम से लेटे रहो बस बेड पे. ओके, तो टू किल द माइक्रोब्स. अब नेक्स्ट थिंग आती है टू किल द माइक्रोब्स, भाई ये क्या है? तो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स which kills the microbes and diseases is cured and the disease is cured. मतलब कुछ ड्रग्स देते हैं जो कि माइक्रोब्स, जो बैक्टीरियल बैक्टीरियल और फंगाई से. देखो एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, करते करते सोचा कि बताई दूं. अगर आपको एग्जाम में आता कि which micro organisms are used, to make antibiotics, तो what you can write here, there is fungi and bacteria. Okay, fungi and bacteria are the two microorganisms who are used for making the antibiotics. Okay, now next thing is, wait a minute bacha, so now next thing is, this can be done by taking suitable antibiotics. That's what I said just right now. Antibiotics fungi or bacteria se banti hai. Okay, and drugs means wahi wo wale drugs nahi. Okay, drugs means pills and tablets. So which kills the microbes and diseases, and the diseases cured. मतलब वो kill कर देती है और treatment complete और person एकदम से cure हो जाते हैं. मतलब एकदम तो नहीं, it takes time. Now principles क्या है prevention के? अब मतलब prevent कैसे कर सकते हैं हम उस disease को? क्या नियम हैं? क्या तरीके हैं जिनसे हम उन्हें मतलब prevent कर सकते हैं किसी भी disease को होने से? तो वो है, देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज. ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिसीजेज की प्रिवेंशन पहले हम देखेंगे. तो अगर आप लोगों को देखनी है लाइक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की, तो अपनी बॉडी की केयर कीजिए. जो मैंने पहले बताया था, एक्सरसाइज करके हम किसी भी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. एक्सरसाइजिंग एंड नॉट मतलब फुलफिल हम करें अपनी बॉडी की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है? लाइक बाय ईटिंग एवरीथिंग न्यूट्रिशियस फूड, ओके, एंड अ बैलेंस्ड डाइट. अगर बैलेंस डाइट में कहीं किसी न्यूट्रिएंट की या किसी मिनरल विटामिन की लैक होती है, तभी कोई डिसीज हो सकता है या फिर दूसरा कुछ इन्फेक्शियस डिसीज हो सकते हैं, ठीक है? तो लेट अस सी देम. तो देयर आर जनरल वेज एंड
स्पेसिफिक एंड जनरल वेज देखेंगे. तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या है, दो मेथड्स हैं, एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक. तो पहले जनरल देखते हैं, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या है. तो पब्लिक हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज. ऑब्वियसली यही होना था, पब्लिक हाइजीन हमेशा. लाइक अभी हम कोरोना वायरस में अगर हम बाहर जाते हैं, किसी क्राउड में जाते हैं, तो वहां पे अगर किसी को भी कोरोना है तो क्या होगा, हमें भी उसको कैच कर जाएंगे. तो मतलब उन्होंने अपने प्रॉपर हाइजीन नहीं रखा. तो पब्लिक हाइजीन इज नेसेसरी, नॉट ओनली अर बट ऑल्सो पब्लिक हाइजीन. तो प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड फॉर एवरी वन विल मेक पीपल हेल्दी एंड रेसिस्ट द इन्फेक्शन. अगर हम अच्छा हेल्दी फूड ले रहे हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और बिल्डअप कर रहा है, और ताकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से उस फाइट बैक कर सके उस डिसीज के अगेंस्ट. सो एयर बोर्न डिसीजेज आर देयर, वैक्टर बोर्न डिसीजेज आर देयर, वाटर बोर्न डिसीजेज आर ऑल्सो देयर. सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर एयर बोर्न डिसीजेज, मतलब जो एयर के थ्रू हमें हो सकते हैं. ठीक है, दे आर नोन एज एयर बोर्न डिसीजेज. जब एयर की कंटेमिनेट होने से, गंदे होने से, पोल्यूट होने से हमें जो होते हैं डिसीजेज, दे आर नोन एज एयर बोर्न डिसीजेज. सो एयर बोर्न डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड, ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे एयर के थ्रू अगर किसी के माइक्रोब्स, जो मतलब उन्होंने स्नीज किया तो वो एयर के थ्रू हमारे अंदर हम इनहेल कर लेंगे, तो दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कैच देम. तो वाटर बोर्न डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अगर हम सेफ ड्रिंक वाटर कर रहे हैं, मिनरल वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर अस. एंड बॉइल करके, जिनके घर में आर ओ नहीं होता, फिल्टर नहीं होता, ऑब्वियसली बचपन में पढ़ाई होगा, थर्ड क्लास से पढ़ रहे होंगे कि बाय बॉइलिंग द वाटर वी कैन kill the microbes and bacterias, harmful bacterias which are there present in the water. तो हम next चीज देखते हैं, vector borne diseases can be prevented. vector borne मतलब पहले ही बता दिया था मैंने, vectors क्या होते हैं, biological agents नहीं होते वो. agents, biological agents कौन होते हैं, biological agents होते हैं जो हमारे ये बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, दे आर नोन एज बायोलॉजिकल एजेंट्स. बट जो यू नो वेक्टर्स कौन होते हैं, लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड ऑल दोज. ओके, ठीक है. नाउ वेक्टर बोर्न डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट. अगर क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगा तो मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करेंगे, फ्लाइज ब्रीड नहीं करेंगी, वहाँ पे आसपास मन रहेंगी नहीं, साफ रहेगा, सुथरा रहेगा, तो वहाँ पे नहीं आएंगी. तो उस तरह से हम वेक्टर बोर्न डिसीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. अब आते हैं स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन पे. देर आर डिसीजेस स्पेसिफिक मेजर्स, डिजीज स्पेसिफिक मेजर्स विच आर यूज टू फाइट देम, इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन. अब इम्यूनाइजेशन क्या होती है हम वो भी देखेंगे, ठीक है, बट धीरे आराम से समझेंगे हम वो क्या होता है इम्यूनाइजेशन. ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या होता है इम्यूनाइजेशन. दिखाती हूँ मैं एक सेकेंड. लुक स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं. तो इम्यूनाइजेशन बेसिकली क्या है ना, कि किसी डिसीज को क्योर करना. वैक्सीनेशन जो होती है ना, वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैक्सीनेशन. ओके, तो उसमें मतलब वो अच्छे से यू नो कोई एंटीबॉडीज अंदर हमारी बॉडी में यू नो इंजेक्ट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. तो कुछ भी कह लो. तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन देखते हैं. तो देयर आर डिसीजेस स्पेसिफिक मेजर्स विच आर यूज टू फाइट, मतलब हाँ, मतलब जिससे हम फाइट कर सकते हैं. किससे, ओनली एंड ओनली, नॉट ओनली एंड ओनली, इम्यूनाइजेशन से फाइट कर सकते हैं. लाइक वायरस के जो काइंड ऑफ डिसीज होते हैं कह लो उन्हें, ठीक है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन. ये एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी यू नो पैथोजन को वीक कर सकते हैं इन साइड द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर से, ठीक है, ऑफ द होस्ट ऑफ फूड टू फूल हिज और हर इम्यून सिस्टम, ताकि उतना टाइम फिर हमारी यू नो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में लग जाए, फिर उसका जो भी है यू नो हमारा जो हम हेल्दी फूड ले रहे हैं. ओके, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिसीज, दैट पर्टिकुलर डिसीज. और हम वो जो वैक्सीन हमारे अंदर जाती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है. किसके अगेंस्ट बनाती है, उस डिसीज के अगेंस्ट, पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, Not only does our immune system fight the disease, feeble pathogen. Feeble pathogen मतलब कमजोर. Feeble का मतलब समझो कमजोर pathogens, मतलब कमजोर microorganisms like virus and bacteria and all, protozoan and all. Okay, but also keeps a memory of the incident by keeping those antibodies in blood. Very good. This is the most important point here. देखो बच्चा, ये बहुत जरूरी है. देखो अब जैसे वैक्सीन लेते हैं तो वो क्या होता है, अभी जैसे अब लोग कोरोना में बोल रहे हैं कि प्लाज्मा ले रहे हैं हम दूसरों का. क्यों ले रहे हैं प्लाज्मा भाई,
वो तो ठीक हो गया, अब से तो दोबारा भी हो सकता है, नहीं दोबारा हो सकता है उसको, लेकिन उसकी ब्लड में अब वो प्लाज्मा ले निकालेंगे उसकी ब्लड में से, ठीक है, क्योंकि उस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी उस अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट, क्योंकि हम तो बच गए, अब हमारे अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज बनी उस डिजीज के अगेंस्ट, उन्होंने उसे फाइट बैक किया और उसे खत्म किया, तो उन एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडीज स्टोर हो जाती हैं हमारी मेमोरी में ना, मतलब वो एक मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है हमारी इम्यून सिस्टम उनको, ताकि अगली बार, और वो एक काम होता है वैक्सीन में, वैक्सीन अगर कोई लगा देता है तो उस तरीके की एंटीबॉडी उस बॉडी, उस पर्सन की बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है, उससे पहले की, जब से पहले की वो डिसीज हो, अगर मान लो पोलियो की वैक्सीन है वो लग गया, तो बाद में पोलियो होता है तो वो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पड़ी हुई है उसके अगेंस्ट, ठीक है, विच विल फाइट बैक टू दैट डिसीज. Thus, next time, even if the disease will strike the host body with the full vigor, मतलब पूरी पावर के साथ भी, the body will be able to protect itself with the help of these antibodies. अब जो antibodies उसके ब्लड में स्टोर हुई हैं, बची हैं, है ना, अब तो इम्यून सिस्टम को पता है कि हाँ हमें इस तरह की बनानी है, ठीक है, तो जब वो अगली बार इस तरह की एंटीबॉडीज बनाएगा वो जल्दी बनाएगा, ठीक है, और दूसरी बात, हमारे ब्लड में पहले से ही इतनी एंटीबॉडीज होंगी, सफिशियंट तो नहीं, मतलब होंगी हमारे पास, जिससे कि हम उसे रोक सकें तब तक के लिए, ज्यादा सीवियर ना होने दें अपनी कंडीशन, और वो फाइट करती रहे तब तक, ठीक है. So this is also the basic law followed by vaccination programs done for infants. अब यही तो बच्चों, जब बच्चे पैदा होते हैं, infants मतलब babies के लिए छोटे-छोटे, तो इन्हें जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाई जाती है, ताकि उनके ब्लड में, मतलब उनकी मेमोरी बन जाए हमारी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में मेमोरी, एज अ मेमोरी वो फील हो जाए कि हाँ, अगर इस तरीके का कोई डिसीज हमारे अंदर आता है तो हमारे पास वो है एंटीबॉडीज उससे किल करने के लिए, वैक्सीनेशन के थ्रू उन्हें प्रोवाइड की जाती है वो, ठीक है. तो लिस्ट ऑफ फ्यू डिसीजेस, अब देखते हैं लिस्ट ऑफ फ्यू डिसीजेस, एंड हमारा चैप्टर इसी के साथ आज खत्म हो जाने वाला है. सो आई होप यू विल लव दिस सेशन. एंड हाँ, इफ मैं ना आपको ना एक काम करती हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी अगली वीडियो में, या मैं देखती हूँ कुछ फाइल्स आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप इजीली अपना अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने अच्छे से, मतलब डिस्कस तो सब कुछ कर लिया है, बट जो इम्पोर्टेंट हैं, की टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, सारी वो सब क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स एंड वन वर्ड आंसर एंड ऑल दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल. तो लिस्ट ऑफ फ्यू डिसीजेस देख लेते हैं. डिसीज पैथोजन, मतलब जो कैरियर है, जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैरियर, तो वो जो कैरी करके लाते हैं, लाइक कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, ठीक है, एटसेट्रा. सिम्टम्स, उसके क्या डिसीज के सिम्टम्स होते हैं, तो पहले देखते हैं मलेरिया क्या होता है. मलेरिया किसको, मैंने पहले ही बताया था, प्रोटोजोन का सबसे कॉमन एग्जांपल ले लो मलेरिया, याद रखना मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से. फीमेल एनोफिलेसिस मॉस्किटो, एक और बात बताती हूँ मैं, जो मॉस्किटोज आपको बाइट करते हैं ना, वो बाइट जो करते हैं वो मॉस्किटोज फीमेल होते हैं. अब वो आपको शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाए कि क्यों, मतलब क्यों होते हैं वो फीमेल, मतलब रीजन बताओ, सिर्फ फीमेल ही क्यों होते हैं, मेल क्यों बाइट नहीं करते. मेल बाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि फीमेल को प्रोड्यूस, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी हमारी ब्लड से उन्हें मिलती है, इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज हमें बाइट करते हैं, ना कि मेल मॉस्किटोज. मेल मॉस्किटोज अपनी कहीं से नेक्टर वगैरह, जूस वगैरह, जो भी वो फ्लावर्स में से नेक्टर आता है ना, उसको ले लेते हैं ताकि उनकी एनर्जी बन जाए, लेकिन फीमेल्स को हमारा ब्लड ही चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए. और ये एनोफिलेसिस एक नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है उस फीमेल मॉस्किटो का, जिससे कि क्या हो सकता है, येलो फीवर एंड सच काइंड ऑफ डिसीजेस हमें हो सकते हैं, ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया, डोंट फॉरगेट. एंड कॉकरोचेस एक्सेट्रा, ये होते हैं कैरियर इनके, ठीक है. तो ये फीमेल वाला जो मैंने टर्म बताया आपको, फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करते हैं, रीजन बताया, तो इसको जरूर याद रखें. मे बी दिस मे बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, ओके, एग्जाम में आ सकता है एज अ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन. सो नाउ रिकरेंट फीवर, ठीक है, ये रिकरेंट फीवर किससे होगा, रिकरेंट फीवर ये होगा फीमेल एनोफिलेसिस के काटने से, मलेरिया ये सब इससे ही होता है, ठीक है. चिल्स, चिल्स 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 होंगे कॉकरोचेस, और इनकी वजह से ये सब कैरी करता है प्रोटोजोआ, ठीक है. सिम्टम्स, ठंड लगेगी आपको, फीवर हो जाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा. सिम्टम्स है वो टाइफाइड किससे होगा, बैक्टीरिया सैल्मोनेला, सैल्मोनेला, ओके, इस तरीके के बैक्टीरिया से आपको हो जाएगा टाइफाइड. कैरियर इसके सेम है, वही कैरियर्स हैं, ठीक है. हाई फीवर एंड इंटेंशियल इन्फेक्शंस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और हाई फीवर बढ़ जाए. इंटेस्टिनल मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, इनके अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है. अब एड्स का देख लेते हैं भाई, एड्स बहुत ही बहुत खतरनाक है,
वायरस है एचआईवी, ठीक है, एचआईवी वायरस इसका पैथोजन है, क्योंकि एड्स क्या है, एड्स कोई वो नहीं है, वायरस नहीं है एड्स कोई, एड्स तो एक पर्टिकुलर डिसीज है, वायरस क्या है एचआईवी, ये वायरस जब हमारी बॉडी में घुसता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तभी हमें एड्स हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारी एक साथ हमारी बॉडी में हो जाती है, जल्दी बोल दिया, ओके, नॉट अ डिसीज इन इटसेल्फ, इट इफेक्ट्स, यहाँ पे इट इफेक्ट्स, आई कैन नॉट रीड हियर, ओके, द ग्लैंड्स thereby डिक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी, वो इफेक्ट करता है हमारे ग्लैंड्स को और हमारी डिक्रीज करता रहता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज करता रहता है, ठीक है, उसकी पावर को. डेंगू, तो ना डेंगू, डेंगू में क्या है, डेंगू कैसे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, फीमेल, ये अब देखो अलग ही नाम है इनके, तो एनोपोलिसिस क्या करती है, प्रोटोजोआ मतलब को कैरी करती है और मलेरिया करती है, लेकिन डेंगू किससे होता है, फीमेल एडीज एजिप्टी कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है, पर्टिकुलरली मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पता नहीं, सो एडीज एंड एजिप्टी, फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल्स ही बाइट करती है, ये भी याद रखना, ठीक है, डोंट फॉरगेट, हेडेक होता है, फीवर होता है, प्लस तो वही सब यू नो सिम्टम्स ऑल दैट, यहाँ पे सिम्टम्स इसलिए नहीं पता कि बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत पता नहीं कौन सा डिसीज हो जाए, बहुत सारे डिसीज एक साथ अटैक कर देते हैं, कौन सा वायरस घुस जाए आपके अंदर, कौन सा डिसीज हो जाए, इसलिए इसके प्रोवाइड नहीं किए हुए सिम्टम्स एड्स के, ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, सो ये लास्ट है एंड देयरफॉर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं या तो वीडियो या फिर फाइल्स मैं पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि आपको यू नो सारा आपको यू नो डिटेल्ड मैं देख दूंगी, दिखा दूंगी, वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं बताओ, चलो वर्म्स होते हैं वो डिसीज, ठीक है, नेम ऑफ द डिसीज वर्म्स, किससे होता है, वर्म्स इन इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट होते हैं, सिम्टम्स यहाँ कुछ शो नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके के सिम्टम मतलब वो सॉरी जो कोई भी यू नो वो हो सकते हैं, सो सिम्टम्स नहीं यहाँ पे, कोई भी यू नो कोई भी किसी भी तरीके का यू नो इन्फेक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई वो नहीं है यहाँ पे गिवन, फिर ये है स्टमक एज, ये सिम्टम्स हैं, पेट में दर्द होना, ये सब तरीके के बोलते हैं ना तुम्हारे पेट में कीड़े घुस गए, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो काला आजार प्रोटोजोआ से होता है, ये भी देख चुके हैं, लेशमानिया जो है वो डिसी एक तरीके का यू नो वही है, वायरस कह रही हूँ, प्रोटोजोआ का नेम है, पर्टिकुलरली सैंड फ्लाई ये कैरियर है उसका, और ब्रेन फीवर हमें हो जाता है, ठीक है, ब्रेन फीवर, ये ब्रेन फीवर जापनीज एलिफेंटस से पता नहीं कुछ ऐसी था, नेम तो याद कर लेना आप, जापनीज एलिफेंट टेनिस पता नहीं क्या था, राउंड वर्म्स ये किससे होता है, मतलब राउंड वर्म्स जो है ये होता है एस्कैरिस इन इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इसके कैरियर कोई भी हो सकता, कोई नहीं, मतलब वर्म्स यही होते हैं, वर्म्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसका कैरियर कोई नहीं होता, ठीक है, सो स्टमक एज होता है इसमें ऑब्वियसली वही जो पहले हुआ था, क्योंकि वर्म्स कर रहे हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वर्म्स पहले ही देख चुके हैं, सार्स वायरस ये पहले चला था, डोंट फॉरगेट, बैक्टीरिया से होगा, इससे एंटीबॉडी है, ठीक भी हो सकते हैं इससे बहुत जल्दी लोग, तो कैरियर कोई भी हो सकता है, वही सेम जो भी सारी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोग सर्च कर सकते हो, इसमें तो नहीं गिवन है, तो स्वाइन फ्लू भी हम बहुत चला था पहले, वायरस है एक, वायरस कैरियर कैरियर है उसका, सॉरी वायरस उसका यू नो पैथोजन है, और पिग प्लस ह्यूमन ये कैरियर्स होते हैं, एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं, वैसे पिग से चला था ये, ठीक है, फिर ह्यूमंस में भी आ गया, फीवर, और फीवर क्या होता है, फीवर स्प्रेड होता रहता है, फीवर ही होता है इसमें, वैसे स्प्रेड होता रहता है वो, तो बर्ड फ्लू भी है एक, बर्ड फ्लू फ्लाई होगी नहीं ऐसा नहीं है, तो वो एक वायरस जो है वो पैथोजन है इसका, बर्ड फ्लू का, इस डिसीज का, कौन किसे मतलब कौन ये होता है, मतलब इसमें क्या होता है, बर्ड्स कैरियर होती हैं इसकी, ठीक है, ये तो पैथोजन है, ये क्या है, डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसता है, और फिर जो और लोग जो कैरियर्स होते हैं, जो ये तो बायोलॉजिकल एजेंट है, लेकिन जो कैरियर्स होते हैं वो मेनली बर्ड्स हैं, यहाँ पे फीवर करती हैं स्प्रेड बर्ड्स, मान लो बर्ड, यार आपको भी सोच भी सकते हो कि बर्ड से भी हो सकता है लेकिन हो सकता है बच्चा, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड बच्चा पार्टी, इफ यू लाइक द सेशन सो प्लीज हिट लाइक एंड कॉमेंट मी डाउन, और इसी के साथ हमने अपना पूरा सिलेबस मतलब पूरा ये चैप्टर बायो का कवर अप कर लिया है, ओके, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो चैप्टर, एंड इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू सून, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, तो बाय बाय, अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ आपके साथ, या तो मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कवर करवाऊंगी अगली वीडियो में, अदरवाइज देखते हैं दवाई कौन सा कवर अप करवाना है।
तो मेनली तो आई विल बी कवरिंग अप दी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस दूंगी, तो उन्हें देख लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, बाय बाय.